हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का, हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे, आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। उस समय जसवंत बाबू जेल में नहीं थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, थे क्या आप जेल में? हाँ कभी जेल नहीं, आंदोलन में जेल। आप लोग तो, आप तो बिना हरे फिटकिरी का कोई ना कोई पद ले ही लेते हैं, चाहे इधर हो या उधर हो, दोनों पार्टी। अब उसमें आप अकेले नहीं हैं, दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे। तो खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत। तो महोदय मैं बताना चाहता था, ये जोर साहब हैं, अब बैठिए। सन 77 में महोदय हम लोगों को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौर साहब, चौधरी चरण सिंह जी, हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो महोदय मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता, हम तो आपसे लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, ये नई बात नहीं, किसी कारण से नहीं। जनता पार्टी, जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने उस सवाल को उठाया था। अरे नए नए आप आए हैं, मुझे अफसोस है कि आप लोग जा रहे हो इन लोगों के वजह से। सन 77 में दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया गया था मजबूती से हम लोगों के द्वारा, कि अगर आरएसएस में रहना है। जोर साहब भी बोलते थे, छाती पर हाथ रख के बोले, यही उठाए थे। हम तो लोग नए थे, हमने कहा, हम लोगों ने कहा था, या तो आरएसएस में रहिए या तो जनता पार्टी में रहिए, दोहरी सदस्यता नहीं चलेगा इस मुल्क में और देश के सेकुलर करेक्टर और फाउंडेशन को हम लात नहीं मारेंगे। आपको याद होगा, इसलिए हम लोग टूटे और हम लोगों ने नारा दिया, चरण नहीं तो चुनाव। और हम लोग चुनाव में गए, चुनाव में गए, हमारी लड़ाई आपसे है। आपने कहा, अब बताइए, हिंदू 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 हिंदू, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, कौन विरोध करता? ते हम लोग के पुरोहित ये अडवाणी जी कैसे हो सकते हैं, ये हमारे पंडित कैसे हो सकते हैं? हम पंडित से पूजा कराते हैं, हमारी माँ बहन गांव ग्रह गए सारे लोग, ये ठीका आपने कैसे ले लिया? आज इस देश का सेकुलर करेक्टर सेकुलरिज्म है, इसलिए राबड़ी देवी गांव की बेटी मुख्यमंत्री बनती है। देश की एकता अखंडता, जब भारी नाक पर पानी आया तो हमने कहा मीडिया के लोगों को, महोदय लोगों ने पूछा कि क्या करोगे, हमने एक कैलेंडर कह दिया, क्योंकि लोग रोज बोलते थे दिल्ली में, नहीं नहीं जयललिता जी से पैचअप हो गया, लालू मुलायम में लड़ाई हो गई विगत दिनों में, कोई कुछ अब हम जो है सो के
पहले बोल देते थे, इस बार हम लोगों ने साइंटिफिक तरीका से काम किया है, समझ लीजिए। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, आप डंटा पहना छोड़ के अग्नि में प्रवेश कर गए हैं, आप पोखरन में, तो हम लोग भी अब इस साइंटिफिक तरीका का इस्तेमाल किया है। आप पूछ रहे क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, इसमें रंग अजूबा होगा, इस रंग का कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। आप जाइए, अभी भी मेरा सुझाव है, हालांकि सुझाव देने का हकदार आपके उम्र के आदमी के लिए हम नहीं योग समझते, लेकिन आपने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश के कांग्रेस के लोगों को विन ओवर करने के लिए, संपत्ति लेने के लिए, कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। तो आप एक बार नहीं, आप दो बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए दो बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का।